राजधानी दिल्ली में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जगह जगह भजन कीर्तन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उसी के चलते चौथे पुस्ते हनुमान मंदिर में गुरु नवल किशोर दास जी ने इस उपलक्ष्य में भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से भक्त भजन करने पहुंचे। गुरु नवल किशोर दास लोगों को गुरु पर्व के बारे में बताया और गुरु शिष्य के महत्व को समझाया। इसी के चलते आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामान्य बोलचाल में इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन प्रत्येक साधक जहाँ से उसे अध्यात्म स्रोत प्राप्त हुआ, अपने अपने गुरुदेव के पास जाकर के अपनी साधना का, अपने जीवन का आत्मचिंतन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और निजता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को परमात्मा के समर्पित करते हैं। अनंता कोई दीनता कोई हीनता ना आ जाए, क्योंकि हम उस परात्पर परमात्मा के अंश हैं जो सर्वत्र है, यह तत्त्व सर्वत्र व्याप्त है। उसी आनंद को, उसी सुख की प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य का ये संबंध होता है। गुरु पूर्णमासी के तुरंत आकर से श्रावण प्रारंभ हो जाएगा और सुखद संयोग है कि प्रथम दिन श्रावण का सोमवार से प्रारंभ होगा। उन पर जल का अभिषेक करेंगे, जीवन की जन्म समाप्त हो जाएगी, जीवन का द्वंद समाप्त हो जाएगा। आग धतूरा जो हमको विषमता प्रदान करता है, जहर प्रदान करता है, पर भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन का जहर भगवान शिव लेते हैं, हमें अमृत प्रदान करते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में लोग गंगा जल ला करके भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने से जीवन की दृढ़ता समाप्त होती है, जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है, जीवन का कलेश समाप्त होता है। गुरु नवल किशोर दास जी ने सावन लगने की सभी शिव भक्त कांवड़ियों को हरिद्वार से गंगा जल लाकर भोले बाबा पर चढ़ाने के बारे में बताया और उनकी यात्रा शुभ एवं मंगलमय हो इसी कामना करते हुए कोटि कोटि आशीर्वाद दिया। नीतू राजपूत, तेज निगाह, ब्यूरो दिल्ली।